तो क्या हाल है गाइस, बर्थडे हो या हो एनिवर्सरी या फिर हो वैलेंटाइन वीक, कपल को ना हमेशा प्रॉब्लम होती है ऐसे रोमांटिक रेस्टोरेंट ढूंढने में जहां वो अपने बेटर हाफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, बट ऐसी जगह ना मिलती नहीं है। तो इस समस्या का समाधान लेके आई हूँ मैं आपके लिए इस वीडियो में, दिल्ली के वो 5 रोमांटिक रेस्टोरेंट जहां पे सिर्फ आपको जाने में ही नहीं बल्कि खाने में भी मजा आएगा, हो सकता है जिसके बाद वो आपको हाँ भी बोल दे। सो हमारी पहली सूची में पहले नंबर पे है द ग्रामर रूम। घर से दूर शांत जगह पर अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान है तो ग्रामर रूम आप ही के लिए है। यहाँ पढ़ाई नहीं होती, बस नाम ही ऐसा है। मेन्यू में आपको कॉन्टिनेंटल बेवरेजेस, डेजर्ट्स एंड और भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। जोमैटो पर 4.7 की रेटिंग है और ये पड़ता है कालका दास मार्ग मेहरौली में। दो लोगों की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 2700 आ जाएगी विदाउट एनी अल्कोहल। टाइमिंग के बारे में बताऊं तो ये मॉर्निंग में 11 AM ओपन हो जाता है। तो जाओ अपने बी के साथ इंजॉय करो इस टॉक्सिक फील को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पे कैसा लगा। तो लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कियान रोसेट। अगर आप खुला खर्चा करना पसंद करते हैं और शोबाजी करते हैं तो ये जगह आप ही के लिए होने वाली है। स्विमिंग पूल के किनारे, तगड़ी लाइट्स व कैंट वाला बैकग्राउंड, ये सब माहौल को ना बहुत ही बढ़िया या फिर तगड़ा सा कर देता है। दो लोग की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आएगी 5,500 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली। सोमैटो रेटिंग की बात करूँ तो 4.6 सोमैटो रेटिंग है। यहाँ पे आपको थाई, यूरोपियन, नॉर्थ इंडियन और फूड की काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी। लोकेशन की बात करूँ गाइस तो ये आपको पड़ेगा समालखा के पास। लोकेशन वैसे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप यहाँ पे देख के भी जा सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको यहाँ पे कैसा लगा। सो थर्ड नंबर पे है कैफे दी मिलानो। अगर आपको पसंद है ग्रीनरी एंड ओपन एयर तो ये जगह आप ही लोगों के लिए है। एक गार्डन थीम बेस्ड कैफे है जहाँ पे आपको मदर नेचर ना काफ़ी हेल्प करने वाली है अपना इम्प्रेशन क्रिएट करने और इम्प्रेशन बढ़ाने में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फूड में इटालियन, चाइनीज एंड इंडियन फूड। मॉर्निंग में 11 बजे ओपन हो जाता है, 11:30 के अराउंड ये बंद हो जाता है। जोमैटो रेटिंग 4.4 है और दो लोगों की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 700 से 1000 के बीच में। ये कैफे पड़ेगा द्वारिका के पास और लोकेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी तो आप यहाँ से देख के जा सकते हैं। अगर आपको पसंद है डार्क थीम, आप जा सकते हैं ओपन हाउस कैफे जहाँ पे आपको काफ़ी डार्क थीम मिलने वाली है और जो माहौल को और भी एक्साइटिंग सा कर देती है। यहाँ पे आपको खाने में काफ़ी ऑप्शंस मिलने वाले हैं, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और भी काफ़ी सारे। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपने स्पेशल वन के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये है कनॉट प्लेस में, एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। सोमैटो रेटिंग 4.3 है, मॉर्निंग में 10:30-11 बजे ओपन हो जाता है, रात को 1 से 1.5 बजे तक ये खुला रहता है मिडनाइट तक। और दो लोग की अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 2,000-2,500 के बीच अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। तो जाइए इंजॉय कीजिए अपने डी के साथ। सूची पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट रेस्टोरेंट नेम इज थाई हाई। फेमस फॉर इट्स रूफटॉप व्यू ऑफ कुतुब मीनार, खुले आसमान के तले सामने कुतुब मीनार और बहुत ही सॉफ्ट सा म्यूजिक और थाई खाना, क्या मस्त डेट होगी ना। खैर मैं अभी अपने भावनाओं को साइड रखती हूँ, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि यहाँ पे आपको थाई खाने को मिलने वाला है और जोमैटो रेटिंग है 4.2। मैं आपको बता दूँ ये पड़ेगा मेहरौली में और दो लोगों की अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आने वाली है 2,000 से 2,500 के अप्रॉक्सीमेटली। तो ये थे दिल्ली के टॉप 5 रोमांटिक रेस्टोरेंट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नई वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज़।